गाइस मेरा वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था बट कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स था उसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे क्या Realme 2 का कैमरा रियल है कि फेक है। तो छोटा सा एक वीडियो मैंने शूट किया है, एक्चुअली मैं अपने गाँव पर आया हूँ तो मैंने अपने भैया के साथ मिलकर एक छोटा सा वीडियो शूट किया था। रिसेंटली मैंने एक Realme 2 परचेज किया क्योंकि मेरा पुराना माइक्रोमैक्स खराब हो चुका है, तो इसलिए मैं सोचा कि क्या मतलब इसको देख लेते, टेस्ट करके देख लेते कि यह इसमें काम करता है। एक यूट्यूबर थे यूट्यूब पे, उन्होंने बोला था कि जो Realme 2 का जो दूसरा कैमरा वो फेक है, मीन्स वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएगा कि Realme 2 का कैमरा वाकई में एक फेक कैमरा है या फिर रियल कैमरा है। तो उसको वॉच करो गाइस, जैसे देख सकते हो यार मेरा स्मार्टफोन यहाँ पे Realme का ब्रांडिंग और ये ओरिजिनल Realme 2 है, Realme 2। तो गाइस मैंने एक किसी यूट्यूबर ने बोला था कि जो पीछे का जो कैमरा था वो सॉफ्टवेयर के हेल्प से ब्लर करता है, जिसका मतलब कि ये कैमरा काम नहीं करता। मैं उसका नाम नहीं लूँगा उस मतलब यूट्यूबर का, बट उनका वीडियो काफ़ी अच्छा था। बट उन्होंने एक चीज़ बोला कि Realme का कैमरा काम नहीं करता पोर्ट्रेट मोड में, सेकेंड दूसरा कैमरा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई में Realme 2 का जो 2MP का जो कैमरा होता है वो काम करता है कि नहीं करता। तो गाइस वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हो फ़ोन पूरा परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है, फ़ोन पूरा परफेक्टली काम कर रहा है। तो फर्स्ट शॉट हम लोग लेंगे पोर्ट्रेट मोड पे, जैसे कि देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग फर्स्ट शॉट पोर्ट्रेट मोड में लेंगे और देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा शॉट आ रहा है। अब देख सकते हो काफ़ी अच्छा डिटेलिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे, यहाँ पे जो दूसरा कैमरा देख सकते हो ये 13 मेगापिक्सल का, यहाँ पे जो दूसरा है ये 2 मेगापिक्सल का है। तो हम लोग इसे ढक देंगे, आप लोग टेस्ट भी कर सकते हो, एक मिनट आप लोग टेस्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इधर हाथ रखता हूँ अपना तो ये कैमरा काम नहीं करेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बंद हो चुका है। अब इसको हटाता हूँ तो कैमरा काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले में अगर हाथ रखता हूँ, ये जो दूसरा नंबर 2 वाले में 2 मेगापिक्सल वाले में, तो ये आप लोग देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड काम नहीं कर रहा, ब्लर का इफेक्ट नहीं आ रहा, अच्छे से नहीं आ रहा। हालांकि थोड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है बट उतना अच्छे से नहीं आ रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छे से पोर्ट्रेट मोड आ रहा है। अब हम लोग दूसरे एक चीज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक ब्लैक टेप का यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि मैं इसे ढक दूंगा यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो पूरा ढक चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसे शॉट लेने की कोशिश करेंगे कि ये पोर्ट्रेट मोड अभी भी काम करता है कि नहीं करता। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड पे रखा हुआ है और अभी हम लोग चेक करते हैं फोटो को, देख सकते हो कि पोर्ट्रेट मोड काम नहीं कर रहा। और यहाँ पे जैसे मैंने जब शॉट लिया था तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा था। तो इट मीन्स जो दूसरा मेगापिक्सल जो 2MP का कैमरा है, जो डेप्थ सेंसर वाला जो कैमरा है वो काम करता है। तो इट मतलब हम लोग देख सकते हो कि आप काम कर रहा है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा काम करता है। तो मैं उस यूट्यूबर अगर वो वीडियो देखते हैं मेरा तो उनको पता चल जाएगा कि उनको मैं बोलना चाहूँगा कि यार ये गलत न्यूज़ मत फेज मतलब स्प्रेड करो कि यार दूसरा कैमरा काम करता है, सॉफ्टवेयर का हेल्प लेता है। देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड काफ़ी सुंदर आता है इसे, हाँ। और दूसरा बात, अगर ये वीडियो रियलमी वालों भी देखते यार, अगर आप लोग यार वीडियो को बहुत ही आगे जैसे फैलाते हो तो अगर वो लोग देखते तो मैं इनसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार प्लीज़ EIA इसका सपोर्ट दे दो यार, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, क्योंकि Y2 जैसे जो फ़ोन है MI का Y2 वो भी EIA देता है, तो आप लोगों को भी देना चाहिए इतना। और सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आप दे भी सकते हो, काफ़ी ईजी है देना, ठीक है। तो प्लीज़ मैं इतना बोलूँगा आप लोगों को कि प्लीज़ EIA का सपोर्ट भी दे दो। और बाकी देखा जाए तो पोर्ट्रेट मोड के बारे में, पोर्ट्रेट मोड पूरा परफेक्टली काम करता है यहाँ पे। इसको फोकस करो, आप देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में शॉट ले रहा हूँ कुछ है इस तरह। देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड काम करता है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट मोड के बारे में नो डाउट कि ये डेफिनेटली काम करता है।